Morning. Welcome. आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम. और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन क्या पढ़ रहे थे? इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स अपन क्या है पढ़ रहे थे. तो इसमें अपना टॉपिक क्या है आज का? सपोर्ट ऑफ द यूट्रस. यूट्रस की जो सपोर्ट्स हैं, जो लिगामेंट्स हैं, उनके बारे में क्या है अपन आज डिस्कस करेंगे. नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार अपन ने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था उन टॉपिक्स को समराइज कर लेते हैं. तो लास्ट टॉपिक में अपन ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी? पार्ट ऑफ द यूट्रस. यूट्रस के कौन से पार्ट हैं? यूट्रस के कितने पार्ट थे? तीन पार्ट थे. उसके बाद स्ट्रक्चर, यूट्रस की जो लेयर थी वो. उसके बाद ब्लड सप्लाई, लिम्फ ड्रेनेज और नर्व सप्लाई. इनके बारे में क्या अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था. तो नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इनको अपन एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं. ये क्या है? पार्ट्स ऑफ द यूट्रस. तो यूट्रस कितने भागों में डिवाइड किया था अपन ने? यूट्रस को तीन भागों में डिवाइड कर रखा है. फंडस है, बॉडी है और सर्विक्स है. यूट्रस के पार्ट्स कितने हैं? तीन पार्ट होते हैं यूट्रस के. कौन से? फंडस, बॉडी और सर्विक्स. ये क्या है? यूट्रस के तीन पार्ट होते हैं. सबसे पहला है अपना फंडस. दिस इज द डोम से पार्ट ऑफ द यूट्रस अबव द ओपनिंग ऑफ द यूट्राइन ट्यूब. जो फंडस है वो क्या है? डोम शेप है. डोम शेप का क्या है? पार्ट होता है, ठीक है, यूट्रस का. ओपनिंग कहाँ पे होती है? यूट्राइन ट्यूब पे. जो फंडस है वो क्या है? डोम शेप का एक पार्ट होता है. किसका? यूट्रस का. अबव द ओपनिंग ऑफ द यूट्राइन ट्यूब. ओपनिंग कहाँ पे होती है? यूट्राइन ट्यूब पे. क्या है इसकी ओपनिंग होती है? नेक्स्ट क्या है? बॉडी. दिस इज द मेन पार्ट. बॉडी क्या है? यूट्रस का मेन पार्ट होता है. इट इज नैरोस्ट इंफीरियरली एट द इंटरनल ओएस वेयर इट कंटिन्यूस विद द सर्विक्स. ये किसके साथ कंटिन्यूस रहता है? अपना जो सर्विक्स है उसके साथ क्या है ये कंटिन्यू रहता है. नेक्स्ट है सर्विक्स. सर्विक्स क्या है? नेक होती है किसकी? यूट्रस की. तो सर्विक्स इज द नेक ऑफ द यूट्रस. दिस प्रोड्यूस थ्रू द एंटीरियर वॉल ऑफ द वेजाइना ओपनिंग इनटू द इट एट द इंटरनल ओएस. ओपनिंग कहाँ पे होती है इसकी? जो अपनी एक्सटर्नल ओएस है वहां पे क्या है इसकी ओपनिंग होती है. तो सर्विक्स क्या है? सर्विक्स इज द नेक ऑफ द यूट्रस. सर्विक्स क्या है? नेक जो है यूट्रस की वो बोलते हैं इसको. दिस प्रोड्यूस थ्रू द एंटीरियर वॉल ऑफ द वेजाइना ओपनिंग इन टू द एट द एक्सटर्नल ओएस. और इसकी ओपनिंग कहाँ पे होती है? जो अपना एक्सटर्नल ओएस है वहां पे क्या है इसकी ओपनिंग होती है. नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस. यूट्रस है वो कितनी लेयर से मिलके बना होता है? यूट्रस है वो तीन लेयर से मिलके क्या है बना होता है. कौन सी होती है यूट्रस की लेयर? पेरिमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम. यूट्रस जो है उसकी स्ट्रक्चर अगर अपन देखते हैं तो यूट्रस के अंदर कितनी लेयर प्रेजेंट होती है? यूट्रस के अंदर तीन लेयर प्रेजेंट होती है, पेरिमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम. ये क्या है यूट्रस की तीन लेयर होती हैं.
ये क्या है, एक सेक्शन है किसका, यूट्रस का, एक सेक्शन लिया है किसका, यूट्रस का। तो उसके अंदर अपने क्या क्या चीज दिखाएंगे, इसमें केविटी ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस, जो यूट्रस की केविटी है वो इसके अंदर दिखाई गई है, यूट्राइन ट्यूब दिखाई गई है, मायोमेट्रियम लेयर दिखाई गई है, एंडोमेट्रियम लेयर दिखाई गई है, पेरिमेट्रियम लेयर दिखाई गई है। मायोमेट्रियम बनती किससे, स्मूथ मसल से बनती है, एंडोमेट्रियम एपिथीलियम से बनती है, पेरिमेट्रियम पेरिटोनियम से बनती है। इंटरनल ओवस दिखाया गया है सर्विक्स का, केविटी दिखाई गई है सर्विक्स की, एक्सटर्नल ओवस दिखाया गया है सर्विक्स का, और वेजना दिखाई गई है। तो अगर अपन एक यूट्रस का सेक्शन लेते हैं, तो यूट्रस का सेक्शन लेंगे तो अपने को क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, यूट्राइन ट्यूब होती है। ये जो केविटी लाइक स्ट्रक्चर है ये कौन सी होती है, केविटी ऑफ बॉडी ऑफ द यूट्रस। ये जो लेयर है ये मायोमेट्रियम लेयर होती है, और मायोमेट्रियम लेयर किससे बनती है, आपकी जो स्मूथ मसल्स है उससे क्या बनती है। जो मिडिल लेयर जो है वो कौन सी होती है, मायोमेट्रियम है, और ये किससे बनती है, स्मूथ मसल से बनती है। ये जो पेरिटोनियम है ये क्या है, आउटर लेयर है, जो किससे बनती है, पेरिमेट्रियम पेरिटोनियम से बनती है। एंडोमेट्रियम जो है वो क्या है, सबसे इनर की लेयर है, और सबसे इनर की जो लेयर है वो कौन सी है आपकी, एंडोमेट्रियम होती है, और ये एपिथीलियम से बनती है। देन आफ्टर क्या है आपका, ये जो आपका इंटरनल ओवस है किसका, सर्विक्स का, और ये क्या है आपका एक्सटर्नल ओवस ऑफ किसका, सर्विक्स का। इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच का जो है, ओवस के जो बीच का जो स्पेस है वहाँ पे क्या है, केविटी पाई जाती है कौन सी, सर्विक्स की। और ये जो दोनों का स्पेस जो है ये कौन सा होता है, सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं इसको। और ये जो अपनी दिखाई गई है ये क्या है, वेजाइना शो की गई है डायग्राम के अंदर। जो अपनी तीन लेयर है कौन सी, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम और पेरिमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम क्या है, मिडिल लेयर होती है, एंडोमेट्रियम क्या होती है, इनर लेयर होती है, और पेरिमेट्रियम क्या होती है, आउटर लेयर होती है। तो जो आउटर लेयर है वो किससे बनती है, पेरिटोनियम से बनती है। मिडिल लेयर जो है वो किससे बनती है, स्मूथ मसल से बनती है। और जो आपकी इनर लेयर है वो किससे बनती है, एपिथीलियम से बनती है। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई गई है वो क्या है, यूट्राइन ट्यूब होती है। यूट्राइन ट्यूब, दोनों यूट्राइन ट्यूब के बीच में क्या है, केविटी ऑफ द जो बॉडी है, केविटी की उसकी क्या है, शो है। इंटरनल ओवस दिखाया गया है सर्विक्स, केविटी ऑफ सर्विक्स के अपर जो पार्ट है वहां पे कौन सा ओवस होता है, इंटरनल ओवस होता है। और जो लोअर पार्ट है वहां पे क्या है, एक्सटर्नल ओवस होता है। एक्सटर्नल ओवस के बाद किसकी ओपनिंग होती है, वेजाइना की ओपनिंग होती है। इंटरनल और एक्सटर्नल ओवस जो है इनके जो बीच की जो दूरी है उसको कितनी होती है, वो अपनी सर्वाइकल कैनाल के इक्वल टू होती है। सबसे पहली लेयर क्या है अपनी, पेरिमेट्रियम। पेरिमेट्रियम इज द विच इज डिस्ट्रीब्यूट डिफरेंटली ऑन द वेरी सरफेस ऑफ द यूट्रस। एंटीरियरली इट एक्सटेंड ओवर द फंडस एंड बॉडी वेयर इट इज फोल्डेड ऑन द अपर सरफेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। दिस फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम फ्रॉम द वेसिको यूट्राइन पाउच। This is peritoneum which is distributed differentially on the various surface of the uterus. Anteriorly it extends over the fundus. Anteriorly कहाँ तक है ये, extend over the fundus and the body where it is folded on the upper surface of the urinary bladder. कहाँ पे fold होते हैं ये अपने जो urinary bladder है वहाँ पे। This fold of peritoneum form the वेसिको यूट्राइन पाउच। ये जो फोल्ड है किसका, पेरिटोनियम का, ये क्या बनाता है, वेसिको यूट्राइन पाउच जो है वो बनाता है या बनते हैं यहाँ पे। पोस्टीरियरली में क्या है,
एंटीरियरली में कहां तक जाती है? फंडस बॉडी तक जाता है। और पोस्टीरियरली में क्या है? पोस्टीरियरली द पेरिटोनियम एक्सटेंड ओवर द फंडस द बॉडी एंड द सर्विक्स देन इट कंटिन्यूस ऑन द रेक्टम टू द रेक्टोयूटराइन पाउच। पोस्टीरियरली में क्या होता है? पोस्टीरियरली द पेरिटोनियम एक्सटेंड ओवर द फंडस, कहां तक एक्सटेंड है? फंडस तक, द बॉडी एंड द सर्विक्स, देन इट कंटिन्यूस ऑन द, कहां से कंटिन्यूस है? कंटिन्यूस ऑन द रेक्टम टू, फ्रॉम द रेक्टोयूटराइन पाउच, कहां तक होता है? रेक्टोयूटराइन पाउच जो है वहां तक क्या है? ये कंटिन्यूस होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पाउच ऑफ द डोगल्स। जो पाउच ऑफ डोगल्स है वही क्या है? अपने रेक्टोयूटराइन पाउच होते हैं। नेक्स्ट है लेटरली। लेटरली ओनली द फंडस इज कवर्ड बिकॉज द पेरिटोनियम फॉर्म ए डबल फोल्ड। लेटरली क्या है? ओनली द फंडस इज कवर्ड बिकॉज द पेरिटोनियम फॉर्म ए डबल फोल्ड विद द यूट्राइन ट्यूब इन द अपर फ्री बॉर्डर। दिस डबल फोल्ड इज ए ब्रॉड लिगामेंट। ये जो लेटरली का जो फोल्ड है ये क्या है? ब्रॉड लिगामेंट होता है विच एट इट्स लेटरल एंड अटैच द यूट्रस टू द स्लाइड ऑफ द पेल्विस। पोस्टीरियरली में क्या होता है? पोस्टीरियरली द पेरिटोनियम एक्सटेंड ओवर द फंडस द बॉडी एंड द सर्विक्स देन इट कंटिन्यूस ऑन द रेक्टम टू द फॉर्म द रेक्टोयूटराइन पाउच। रेक्टोयूटराइन पाउच को अपन क्या बोलते हैं? पाउच ऑफ द डोगल्स भी अपन क्या है इसको बोलते हैं। लेटरली में क्या होता है? लेटरली ओनली द फंडस इज कवर्ड बिकॉज द, लेटरली में क्या है? केवल फंडस ही कवर्ड होता है बिकॉज द पेरिटोनियम फॉर्म ए डबल फोल्ड। और क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो पेरिटोनियम है वो क्या करती है? डबल फोल्ड वहां पे बना लेती है, फॉर्म ए डबल फोल्ड फोल्ड विद द यूट्राइन ट्यूब। किसके साथ? यूट्राइन ट्यूब के साथ। कहां पे? इन द अपर फ्री बॉर्डर। और जो अपना अपर फ्री बॉर्डर है वहां पे क्या है? ये फोल्ड बनाती है। दिस फोल्ड, दिस डबल फोल्ड इज द ब्रॉड लिगामेंट। जो डबल फोल्ड है वो क्या होता है? ब्रॉड लिगामेंट होता है विच एट इट लेटरल एंड, कहा किसका? जो कि क्या होता है? लेटरल एंड पे अटैच द यूट्रस, और अटैच होता है किससे? यूट्रस पे, टू द साइड ऑफ द पेल्विस। कहां पे? जो अपने पेल्विस की साइड है वहां पे क्या है? वो अटैच होता है। नेक्स्ट क्या है? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ द टिश्यू इन द यूट्राइन वॉल। मायोमेट्रियम क्या होती है? थिकेस्ट लेयर होती है किसकी? ऑफ द टिश्यू इन द यूट्राइन वॉल। यूट्राइन वॉल की क्या है? थिकेस्ट लेयर होती है टिश्यू से बनी हुई। इट इज ए मास ऑफ स्मूथ मसल्स। ये क्या है? मास स्ट्रक्चर होती है किसकी? स्मूथ मसल्स की। फाइबर, स्मूथ मसल्स फाइबर इंटरलेक्टेड विद द एलर टिश्यू ब्लड वेसल्स एंड नर्व। जो मायोमेट्रियम है वो क्या है? थिकेस्ट लेयर होती है टिश्यू की, ठीक है, कहाँ पे? यूट्राइन वॉल के अंदर। ये क्या है? स्मूथ मसल्स फाइबरस एलर टिश्यू ब्लड वेसल्स और नर्व क्या है इसमें प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्या है? एंडोमेट्रियम। दिस कंसिस्ट ऑफ क्लोमेरुलर एपिथेलियम कंटेनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग ट्यूबुलर ग्लैंड्स। ये क्या है? एपिथेलियम से बना होता है। लार्ज नंबर ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स क्या है यहाँ पे? कनेक्ट रहती है, कंटिन्यूस रहती है यहाँ पे। फंक्शन के आधार पर क्या है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले क्या है? फंक्शनल लेयर है। सेकेंड क्या है? अपनी बेसल लेयर होती है। तो जो एंडोमेट्रियम है वो क्या है? क्लोमेरुलर एपिथेलियम से बना होता है। यहाँ पे लार्ज नंबर के अंदर क्या है? म्यूकस सिक्रेट करने वाली ट्यूबुलर ग्लैंड होती हैं, ठीक है। फंक्शन के इट इज डिवाइडेड फंक्शनली इनटू द
टू लेयर। फंक्शन के आधार पे क्या है, इनको दो लेयर के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन सी लेयर है, फंक्शनल लेयर होती है एक, और एक होती है अपनी बेसल लेयर। दो लेयर होती है, फंक्शनल लेयर और सेकेंड है बेसल लेयर। द फंक्शनल लेयर इज द अपर लेयर। फंक्शनल लेयर क्या है, अपर लेयर होती है एंड इट थिकनेस एंड बिकम रिच इन ब्लड वेसल्स इन द फर्स्ट हाफ द हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो फंक्शनल लेयर है वो क्या है, अपर लेयर होती है एंड इट थिकनेस एंड बिकम रिच इन ब्लड वेसल्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो फर्स्ट हाफ होता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस टाइम पे क्या है, यहाँ पे ब्लड पहुंचता है। इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज एंड डज नॉट इम्प्लांट दिस लेयर इज सेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। अगर ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, नॉट इम्प्लांट दिस लेयर इज सेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट बेसल लेयर। द बेसल लेयर लाइज नेक्स्ट द मायोमेट्रियम एंड इज नॉट लॉस्ट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। इट इज द लेयर फ्रॉम विच द फ्रेश मेंस्ट्रुअल लेयर इन रीजनरेशन ड्यूरिंग ईच साइकिल। ये क्या है, प्रत्येक साइकिल के अंदर क्या है, रीजनरेट होती है। द अपर टू थर्ड ऑफ द सर्वाइकल कैनाल इज लाइन विद द म्यूकस मेम्ब्रेन। जो अपर दो थर्ड भाग होते हैं, टू थर्ड सर्वाइकल कैनाल इज लाइन विद द म्यूकस मेम्ब्रेन। किसके साथ लाइनिंग होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ इसकी लाइनिंग होती है। फर्दर टूवर्ड्स द वेजाइना हाउ एवर द म्यूकोसा चेंजेज बिकम सर्टिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम विच इज कंटिन्यूस विद द लाइनिंग ऑफ द वेजाइना इटसेल्फ। नेक्स्ट है ब्लड सप्लाई। द आर्टरियल ब्लड सप्लाई द दिस इज बाय द यूट्राइन आर्टरी विच आर ब्रांचेज ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी। यूट्राइन आर्टरी के द्वारा क्या है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है, और यूट्राइन आर्टरी किसकी ब्रांच होती है, इंटरनल इलियक आर्टरी की क्या है, ब्रांच होती है। दे पास अपवर्ड द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द यूट्रस बिटवीन द टू लेयर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। दे सप्लाई द यूट्रस एंड यूट्राइन ट्यूब एंड जॉइन द ओवेरियन आर्टरी टू सप्लाई द ओवरी। यूट्रस और यूट्राइन ट्यूब किससे ज्वाइन होती है, यूट्राइन आर्टरी जो है वो किसको सप्लाई करती है, ओवरीज को सप्लाई करती है। ब्रांचेज पास डाउनवर्ड टू द एनास्टोमेटोस विद द वेजाइनल आर्टरी टू सप्लाई द वेजाइना। और अपनी जो वेजाइना है उसको कौन सप्लाई करता है, वेजाइनल आर्टरी करती है। नेक्स्ट अपना आता है वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज की बात करें तो वीनस ड्रेनेज क्या होता है, सेम रूट होता है, जस्ट सेम ही रूट होता है, और अपनी जो इंटरनल इलियक वेन है वहां पे क्या है, ये ड्रेन होता है। तो सेम रूट कैसे होता है, जो अपनी ओवरीज है,
ओवरीज से कौन लेके आएगा? ओवेरियन वेन लेके आएगी, और वेजाइना से कौन लेके आएगा? वेजाइनल वेन लेके आएगी, और वो दोनों के दोनों कहाँ पे लाके छोड़ेंगी? कहाँ पे लाके ड्रेन करेंगी? इंटरनल इलियक वेन में, क्या है वो अपना ब्लड जो है वो लाके छोड़ देंगी। नेक्स्ट है अपना लिम्फ ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई। लिम्फ ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई कौन करता है? देर आर डीप एंड सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स विच ड्रेन लिम्फ फ्रॉम द यूट्रस एंड द यूट्राइन ट्यूब टू द aortic लिम्फ नोड एंड ग्रुप्स ऑफ नोड एसोसिएटेड विद द इलियक ब्लड वेसल्स। जो अपने aortic लिम्फ नोड्स जो है वो क्या है, यहाँ पे लिम्फ ड्रेनेज करते हैं, और किसके साथ कनेक्टेड रहते हैं? जो अपनी इलियक ब्लड वेसल्स है उसके साथ क्या है वो एसोसिएटेड रहते हैं। नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व सप्लाई कौन करता है? द नर्व सप्लाई द यूट्रस एंड यूट्राइन ट्यूब कंसिस्ट ऑफ पैरासिम्पेथेटिक फाइबर फ्रॉम द सेक्रल आउटफ्लो। पैरासिम्पेथेटिक फाइबर्स में क्या है? सेक्रल आउटफ्लो प्रेजेंट होता है। सिंपेथेटिक फाइबर के अंदर क्या है? लंबर आउटफ्लो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्या है आज का जो टॉपिक है वो क्या है? सपोर्ट्स ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की सपोर्ट्स कौन सी होती हैं? द यूट्रस इज सपोर्टेड इन द पेल्विस कैविटी। यूट्रस क्या है, कहां पे रहता है? सपोर्टेड इन द पेल्विस कैविटी बाय सराउंडिंग ऑर्गन्स। कौन से होते हैं सराउंडिंग ऑर्गन्स? मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर। मसल्स होती है किसकी? पेल्विक फ्लोर की। लिगामेंट होते हैं एंड लिगामेंट दैट सस्पेंड इट फ्रॉम द वॉल ऑफ द पेल्विस। और जो क्या है पेल्विक कैविटी के अंदर कौन सी है? सराउंडिंग ऑर्गन्स, मसल्स ऑफ द पेल्विस फ्लोर। पेल्विस फ्लोर की मसल्स और लिगामेंट्स है वो क्या करते हैं? यूट्रस को सपोर्ट करते हैं। ये क्या है? मेल लिगामेंट हैं जो क्या करते हैं? यूट्रस को सपोर्ट करते हैं। ओवेरियन लिगामेंट है, यूट्रस हो गया, यूट्रस के बाद ओवेरियन लिगामेंट हो गया। यूट्राइन ट्यूब है, पेरिटोनियम ब्रॉड लिगामेंट दिखाया गया है, एंड ऑफ द यूट्राइन ट्यूब दिखाई गई है। सस्पेंसरी लिगामेंट है किसका? ओवरी का। कट एज ब्रॉड लिगामेंट दिखाया गया है, राउंड लिगामेंट दिखाया गया है। ये क्या है, इसके अंदर लिगामेंट शो किए गए हैं। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर कौन सी हैं? ब्रॉड लिगामेंट है, राउंड लिगामेंट है, यूट्रोसेक्रल लिगामेंट है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट है जिसको अपन क्या बोलते हैं? कार्डिनल लिगामेंट बोलते हैं। प्यूबो सर्वाइकल फेसा है। ये क्या है? सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होती है किसकी? यूट्रस की। कौन सी है? ब्रॉड लिगामेंट है, राउंड लिगामेंट है, यूट्रोसेक्रल लिगामेंट है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट है, कार्डिनल लिगामेंट है, प्यूबिको सर्वाइकल लिगामेंट है। सबसे पहले क्या है अपना? ब्रॉड लिगामेंट। दे आर फॉर्म बाय ए डबल फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम ऑन वन ऑन ईच साइड ऑफ द यूट्रस। ये क्या है? जो ब्रॉड लिगामेंट है वो किससे बनता है? जो अपनी पेरिटोनियम जो है उसकी डबल फोल्ड से बनता है, और जो अपना यूट्रस है उसके दोनों साइड के अंदर क्या है? प्रेजेंट होता है। यानी कि जो अपना ब्रॉड लिगामेंट है वो किससे बनता है? दीज आर फॉर्म बाय ए डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम की डबल फोल्ड से बनता है, वन ऑन ईच साइड ऑफ द यूट्रस, जो अपने यूट्रस की प्रत्येक साइड पे। दे हैंग डाउन फ्रॉम द यूट्राइन ट्यूब एज थ्रो ड्रॉप ओवर देम एंड देयर लेटरल एंड दे आर अटैच टू द स्लाइड ऑफ द पेल्विस। द यूट्राइन ट्यूब आर एनक्लोज इन द अपर फ्री बॉर्डर एंड नियर द
lateral end they to posterior wall of the broad ligament and open into the peritoneum cavity. कहाँ पे open होता है? Peritoneal cavity के अंदर क्या है ये? Open होता है. Two ovaries are attached to the posterior wall. दो ovaries क्या है वो attach होती है कहाँ पे? Posterior wall पे प्रत्येक साइड के अंदर. On one on each side. प्रत्येक साइड के अंदर. Ovaries जो है वो कहाँ पे attached? The ovaries are attached to the पोस्टीरियर वॉल. जो अपनी पोस्टीरियर वॉल है वहां पे क्या है? ओवरीज है वो अटैच होती हैं. प्रत्येक साइड के अंदर क्या है? एक ओवरी होती है. ब्लड एंड ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स एंड नर्व पास टू द यूट्रस एंड यूट्राइन ट्यूब बिटवीन द लेयर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट. जो ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, नर्व जो है वो पास होती है कहां से? जो अपनी यूट्राइन ट्यूब है उनके बीच में से जो लेयर से क्या है वो पास होती है. नेक्स्ट क्या है? राउंड लिगामेंट. दीज आर बैंड ऑफ फाइब्रस टिश्यू बिटवीन द टू लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट वन ऑन ईच साइड ऑफ द यूट्रस. दीज आर बैंड ऑफ फाइब्रस टिश्यू. ये किससे बनता है? फाइब्रस टिश्यू से. बिटवीन द टू लेयर ऑफ लिगामेंट ऑफ ब्रॉड लिगामेंट कहाँ पे प्रेजेंट है? दो जो अपनी ब्रॉड लिगामेंट है वहां पे क्या है ये? प्रत्येक साइड के अंदर एक राउंड लिगामेंट प्रेजेंट होता है. They pass to the side of the pelvis, then through the inguinal canal to end by the fusing with the labia majora. ये कहाँ पे पास होता है? They pass to the side of the pelvis, then through the inguinal canal to end by the fusing with the labia majora. नेक्स्ट क्या है? ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट. द ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट जिसको अपन क्या बोलते हैं? कार्डिनल लिगामेंट भी बोलते हैं. दीज एक्सटेंड वन फ्रॉम ईच साइड ऑफ द सर्विक्स एंड वेजाइना टू द साइड वॉल ऑफ द पेल्विस. द ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट को अपन क्या बोलते हैं? कार्डिनल लिगामेंट भी बोलते हैं. ये कहां पे होता है? दीज एक्सटेंड वन फ्रॉम ईच साइड ऑफ द सर्विक्स एंड वेजाइना टू द साइड वॉल ऑफ द पेल्विस. नेक्स्ट क्या है अपना? प्यूबोसेक्रल फिजा. प्यूबोसेक्रल के अंदर क्या है? द प्यूबोसेक्रल फिजा दिस एक्सटेंड फॉरवर्ड फ्रॉम द ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट. कहां पे है ये? अपना जो ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट है वहां से क्या है? एक्सटेंड होता है, फॉरवर्ड होता है ऑन ईच साइड ऑफ द ब्लैडर. कहां पे प्रेजेंट होता है? जो अपना ब्लेडर है उसके प्रत्येक साइड के अंदर क्या है? प्रेजेंट होता है. एंड अटैच टू द पोस्टियर सरफेस ऑफ द प्यूबिक बोन. और जो अपनी प्यूबिक बोन है उससे क्या है? अटैच होता है. कहाँ पे? पोस्टियर सरफेस पे क्या है ये? अटैच होता है. नेक्स्ट अपना है फंक्शन ऑफ द यूट्रस. द रिप्रोडक्टिव फंक्शन ऑफ द यूट्रस इज टू एक्सेप्ट ए फर्टिलाइजेशन ओवम विच पास थ्रू द यूट्रो ट्यूब्यूल जंक्शन फ्रॉम द फेलोपियन ट्यूब. जो फंक्शन है यूट्रस का वो क्या है? रिप्रोडक्टिव फंक्शन होता है जिसके अंदर क्या है ये एक्सेप्ट करता है किसको? फर्टिलाइज्ड ओवम को. ठीक है, पास करता है कहां पे? पास थ्रू द यूट्रो ट्यूब्यूल जंक्शन फ्रॉम द फेलोपियन ट्यूब. थैंक्स टू ऑल.